अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क अपनी टीचर्स को टाइम पे सबमिट करवा रहे होंगे। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग। प्लीज टेक आउट योर बुक्स। एज यू ऑल नो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन अवर प्रीवियस क्लास, we did some questions related to, we discussed about basic operations on decimals, that how we are going to solve questions, those sums which are related to decimals, aur aise question jisme decimal hota hai basically. All right, to bahut aasan hai, humne dekha, humne kuch examples bhi li thi ki there is no hard and fast rule, just you have to follow the basic instructions. ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें डेसिमल होता है ना, तो बहुत ही बेसिक रूल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करें और बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, नो बिग डील। ओके, तो पेज नंबर 89 ओपन कर लीजिए अपनी बुक्स का। वी विल डू सम क्वेश्चंस टुडे। ऑलराइट, लेट्स प्रैक्टिस व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 89। ऑलराइट, yeah, so at the following question number 1, there are few parts of this question and you can see that we have to add, right? We have to add part A, 10 plus 0.7. kis tarah solve karenge, humne previous class mein discuss kiya tha, 10 ke sath hum decimal place karenge, 10.00, taki hamara question balance kar jaye, which you can see here 10.0, 0.7, 0 के पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस हो गया है ना, 7 ऐड हो गया, 0 में 7 प्लस हुए, 7 ही आ गया हमारे पास। अब आपके पास कैंडीज थी 7, आपको 0 और दे दी तो आपके पास पूछा कितनी हो गई ऑल टुगेदर, आप बोलेंगे 7 थी, 7 ही रह गई, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतरा, 10 का 10 नीचे आ गया वापस अपनी जगह पे, एडिशन हो गई, easy task, very good, 10.7 answer आ गया हमारे पास, शाबाश। इसी तरीके से आप लोगों ने next questions भी solve करने हैं, part B which is 47.5 plus 61.8, okay? इसको हमने किस तरह add करना है, बिल्कुल ऐसे ही 47.5 plus 61.8, we will add them and या एडिशन का तो बेसिक रूल है हमारे पास, पैटर्न नहीं देखते, मगर जब हमारे पास डेसिमल प्लेस कर दिया जाता है बीच में तो डेसिमल को देखते हुए हमें एडिशन करनी हो, और जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो हमें आंसर में भी सही जगह पे अपना डेसिमल क्या करना होता है, प्लेस, जस्ट लाइक हियर 109.3 डेसिमल के नीचे डेसिमल। ऑलराइट, now moving to next part which is part number C, 24.01 plus 4.1, okay, ye raha iska solution, point ke niche you have to place the point and then start adding, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, point 24 plus 4 gave us 28, so see, no hard and fast rule, only you have to keep in check the point where पॉइंट कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं आप। नाउ आई वांट यू ऑल टू सॉल्व द नेक्स्ट थ्री पार्ट्स ऑन योर ओन, खुद से सॉल्व करें नेक्स्ट थ्री पार्ट्स। ओके, वेरी गुड, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। या सो दीज क्वेश्चंस आर आल्सो रिलेटेड टू एडिशन एज वेल, एंड आई एम श्योर यू गाइस नो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। आई वांट यू ऑल टू कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। Yes, so let's solve 2 questions in the class and the rest are going to be your homework. The more practice you will do, the better you will become, right? So 89.99 plus 51.48. 89 में 99 ऐड करें, 51 में 48 ऐड करेंगे आप। आप देख लें आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 141.47. आपने किस साइड से चलना है, राइट हैंड साइड से, यू विल स्टार्ट एडिंग फ्रॉम दिस, फ्रॉम हियर, 9 प्लस 8, 9 प्लस 4 पॉइंट, 9 प्लस 1 5 प्लस 8, ओके, जस्ट लाइक दिस यू विल सी द आंसर इज हियर। नाउ दिस इज नेक्स्ट पार्ट व्हिच हैज बीन सॉल्व फॉर यू, 93.34 प्लस 99.73, कॉलम वे में लिखना है इसको, कॉलम में
decimal kinchi decimal, then start adding. All right, so I'm sure this is very easy for you to solve, inshallah. And yeah, don't forget to complete all the parts at home and then submit to your class teachers. We will meet in next class. Till then, take good care of yourselves and goodbye. Thank you.